नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जो शुक्र का चेंज हो रहा है जेमिनी राशि मिथुन में 29 मई से लेकर 22 जून तक, ये ऑल ओवर हम सबके लिए कैसा रहेगा? सुमित जी हमें समझाएंगे। आइए सुमित जी बताइए, ये सब चेंज हम सबके लिए कैसा रहेगा जो हम सब इतनी नेगेटिविटीज झेल रहे हैं, क्या हमें इससे रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम एस्ट्रो पॉइंट से। दोस्तों जैसे बताया इन्होंने अभी आपको, शुक्र का चेंज होगा जेमिनी के अंदर 29 मई से 22 जून तक। तो देखिए ऑलरेडी इतना नेगेटिव टाइम चल रहा है, हालांकि मेरी हर वीडियो नेगेटिव ही थी अभी तक। हर चीज़ जो मैंने कोरोना का बताया या किसी चीज़ का ही बताया वो ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड पर ही था। तो क्या ये वीडियो भी नेगेटिव होगी? नहीं दोस्तों, ये वाली एटलीस्ट वीडियो नेगेटिव नहीं होगी, ये वीडियो हमारे लिए पॉजिटिव होने वाली है। कुछ एक कहते हैं ना कि लाइट एट द एंड ऑफ टनल, ये वो वाला हिसाब है कि हाँ रोशनी थोड़ी सी रोशनी है लेकिन ये रोशनी हम सबको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले जो शुक्र था, अगर हम बात करें, मैंने बनाया इसको वृषभ राशि टॉरस के अकॉर्डिंग, जो कि इंडिया का चार्ट है, इंडिया का भी। तो हम इसमें इंडिया को भी कंक्लूड करके चलते हैं, इंडिया को भी इंक्लूड करके चलते हैं कि एज़ पर इंडिया के चार्ट में हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। बिकॉज अगर हिंदुस्तान का ही चार्ट अच्छा रहेगा तो जनता को तो ऑब्वियसली अच्छा रहने वाला है। तो अब तक जो शुक्र था ये अब तक वृषभ राशि में चल रहा था, यानी कि टॉरस में चल रहा था, और टॉरस में इसकी जो प्लेसमेंट थी राहु के साथ थी। तब आप लोग कहेंगे कि टॉरस तो शुक्र की अपनी राशि है, तो वहाँ पर तो उसको अच्छा करना चाहिए, तो अच्छा क्यों नहीं किया उसने? तो लॉकडाउन क्यों रह गया? जितने भी लोग काम में थे, जितने भी लोग शुक्र से रिलेटेड थे, उन लोगों ने सफ़र को किया। तो दोस्तों उसका एक रीज़न क्या है कि वीनस जो था अब तक शुक्र, वो था राहु के साथ। राहु के साथ होने से वीनस की जो पॉजिटिविटी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा, और जब सूर्य भी साथ में आ गया तो शुक्र कम्बस्ट हुआ और उसने असर करना कम कर दिया। तो दोस्तों अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब 29th मई टू 22nd ऑफ जून शुक्र जो अब तक टॉरस के अंदर था मूव करके अब यहाँ पे आ गया, आपके जेमिनी में आ जाए कल, यानी कि 29 जून, आज हो गया 28th में। तो कल इसके जब यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी, और फर्स्ट का लॉर्ड सेकंड हाउस में जब भी आएगा, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वो सभी लोग इनका वृषभ लगन है, उनके लिए स्पेसिफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट का लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में आएगा वो भी अपने फ्रेंडली साइन के अंदर, क्योंकि जेमिनी जो है शुक्र के फ्रेंडली साइन है, जहाँ पे ऑलरेडी बुध है जेमिनी का लॉर्ड। तो जब भी फर्स्ट का लॉर्ड सेकंड में आएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, सेकंड हाउस बीइंग द हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ इनकम, हाउस ऑफ सेविंग्स, तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। हम बहुत ज़्यादा नहीं होगी बिकॉज अभी भी बाकी कॉम्बिनेशन वीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब यहाँ पे शुक्र आ जाएगा तो ये राहु से दूर हो जाएगा, राहु से दूर होने से और सूर्य से दूर होने से कंबशन से बाहर होगा, राहु से दूर होने से इसके अंदर जो एक इन्फेक्शन वाला जो काम था, जो नेगेटिविटी वाला काम था, सडननेस वाली जो नेगेटिविटी थी, राहु सडननेस के लिए होता है, वो नेगेटिविटी दूर होगी। और इसमें जो शुक्र से जो रिलेटेड काम है उनमें थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी है, मैं बताऊँगा आपको कौन कौन से ऐसे काम है। तो फिलहाल अब देखिए, जब जैसे ही बिजनेस यहाँ पर मूव करेगा, एक तो पहली पॉजिटिविटी हमें मिल जाएगी, दूसरा आप देखेंगे 3rd जून को बुध जो यहाँ पे रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी तक अपनी राशि के अंदर, ये मूव करके वापस से टॉरस में आ जाएगा। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी दोस्तों, आप चाहें तो एक बार देखेंगे कि मर्क्यूरी जो रेट्रोग्रेड होगा तो उसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है, वो पिछली वीडियो थी मेरी, जरूर देखिएगा उसको आप। फिर 3rd या 4th जून को मंगल जो कि अब तक जेमिनी में है वो मूव करके यहाँ पर आ जाएगा कैंसर के अंदर। तो यहाँ पर मंगल नीच का हो जाएगा, नेगेटिविटी थोड़ी सी होगी, किसके लिए होगी मैं उसकी अगली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इंडिया पे उसका असर एक नेगेटिव पड़ेगा मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग फोकस करते हैं वीनस पे। तो यानी कि 4th या 5th जून के आसपास वीनस यहाँ पे अकेला हो जाएगा, जब बुध यहाँ पे वापस आ जाएगा रेट्रोग्रेशन में और मंगल यहाँ पे कैंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो शुक्र से जो रूल्ड आउट लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी बेटरमेंट है, और कौन कौन सी ऐसी राशियाँ हैं, कौन कौन से ऐसे लगन हैं जिनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और हाँ दोस्तों एक बात और देखिए, जब शुक्र जेमिनी में होगा 10th हाउस में या एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि में गुरु है, और गुरु इस समय ना तो रेट्रोग्रेड है ना किसी नेगेटिविटी में है। तो गुरु जब 10th हाउस से, यहाँ पे आप देखिए, जब 10th हाउस से गुरु सेकंड हाउस को देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ एस्पेक्ट से जब यहाँ पे शुक्र को देखेगा तो इसकी जो पॉजिटिविटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गुरु तो गुरु है ही है, गुरु का हम लोग गुरु कहा जाता है, प्लीज कहा जाता है, शुक्र भी शुक्राचार्य, यानी कि गुरु तो शुक्र भी है और गुरु तो गुरु है ही, बृहस्पति तो गुरु है ही है। जब दोनों गुरु आपस में मिलेंगे, वेल्थ वाले हाउस के अंदर मिलेंगे, और गुरु का जो काम होता है पॉजिटिविटी फैलाना, अंधकार से प्रकाश की यात्रा करवाना, तो यहाँ पे जो लोग अंधकार में थे अभी तक वहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रतिभा जी ये था कुल मिला के एक मूवमेंट जो होगी थोड़ी पॉजिटिव होगी। तो उसके बाकी इन सब का क्या असर पड़ेगा ऑल ओवर सब पे, मैं डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले हम बताते हैं इसमें बेटर किस किस के लोग, थोड़ा सा कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे लगन के लोग हैं, कौन कौन से राशि के लोग हैं जो थोड़ा बेनिफिट फील करेंगे। देखिए टॉरस का मैं यहाँ पे समझा दिया, शुक्र जो है उनके सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो टॉरस के लिए तो डायरेक्टली फर्क पड़ने वाला असर होगा उन पे। अगर हम लगन की बात करें तो टॉरस लगन को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसके बाद। इसके टॉरस लगन वाले हैं सब ध्यान से सुनिए, अब उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद आता है लिब्रा, यानी कि तुला के अंदर क्या होगा, 9th हाउस के अंदर आ जाएगा यहाँ पे।
एट्थ का लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर आने से, नाइन्थ हाउस सर लक के लिए होता है, नाइन्थ हाउस लक के लिए भी होता है, नाइन्थ हाउस फाइनेंस के लिए भी होता है और तुला लगन के लिए। तो नाइन्थ हाउस में शुक्र का आना, फर्स्ट का लॉर्ड बनकर नाइन्थ हाउस में आना, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लक थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा, अब तक जो थोड़ा सा धीरे धीरे काम चल रहा था, काम में थोड़ी बढ़ोतरी होगी उनकी। और लिब्रा के लोग एटलीस्ट इस समय थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं कि अब मैं बताता हूँ आपको लॉकडाउन क्या रहेगा या लॉकडाउन पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, ओवरऑल कोरोना पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। फिलहाल हम बता दें कि लिब्रा के लिए अच्छा होगा ये वाला। तो उसके बाद हम बात करें जेमिनी की। जेमिनी यानी मिथुन, मिथुन के फर्स्ट हाउस में ये जो कॉम्बिनेशन था मिथुन के फर्स्ट हाउस में हो जाएगा, बिकॉज मिथुन राशि के अंदर आने से। तो मिथुन में शुक्र जो बनता है वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनता है, फिफ्थ का लॉर्ड जब फर्स्ट में आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मिथुन राशि वाले भी थोड़ा पॉजिटिव फील कर सकते हैं, हालांकि उनका लग्न का जो स्वामी है बुध वो वक्री चल रहा है, तो हाँ उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी उनकी, लेकिन हाँ बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स उनके खुल जाएंगे। बुध व्यापार के लिए भी होता है, शुक्र लग्जरीज के लिए होता है, थोड़ी सी लग्जरी बढ़ेगी उनकी। लग्जरी कब बढ़ेगी? जब पैसा आएगा। तो मिथुन वाले भी थोड़ा ऐसा रिलीफ फील कर सकते हैं। हम बात करें इसका वर्गो यानी कन्या, कन्या के टेंथ हाउस में इसके मूवमेंट होगी। तो नाइन्थ का लॉर्ड कन्या का टेंथ हाउस में आने से सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण का क्या जो लॉर्ड होगा सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र में आ जाएगा। तो कन्या लगन वालों के लिए भी थोड़ी सी यहाँ से बेटरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कन्या लगन के जो भी लोग हैं उनको थोड़ा मान कर चल सकते हैं, उनका काम बढ़ेगा, क्योंकि टेंथ हाउस पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोफेशनली और ऑफिस के अंदर भी उनके साथ काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपकी लेडी बॉस है, आपकी सुपर बॉस अगर लेडी है आपके ऑफिस में, या अगर आप बिजनेस में और आपके ज़्यादातर कॉन्टैक्ट्स आपके लेडीज़ के साथ रहते हैं जो जिनके साथ भी आपके लेना देना है, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज वीनस जो होता है लेडीज़ के साथ चलता है। वाइफ अगर आपके साथ आपके बिजनेस में जॉब में, तो वाइफ के सपोर्ट भी बढ़ेगी इस टाइम पर। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के सिक्स हाउस में आएगा, फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स हाउस में आएगा। तो दोस्तों कैप्रिकॉर्न मतलब मकर, जिसका कि लॉर्ड शनि है, खुद वो बकरी चल रहा है इस समय। तो आप कहेंगे कि फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स मान से कैसे बेनिफिट हुआ, सिक्स तो नेगेटिव हाउस है तो सिक्स में आगे तो नेगेटिव होना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि शुक्र इकलौता ऐसा प्लैनेट है, मैंने कई बार आपको बताया अपनी वीडियोज़ के अंदर, जो ट्वेल्थ हाउस के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है। ट्वेल्थ हाउस को हम लोग कहते हैं लग्जरीज के लिए, हिंदी में कहते हैं भोग विलास। भोग विलास मतलब खर्चों में अच्छा होना, बेडरूम में अच्छा होना, कपड़ों पर खर्च करना, मतलब खर्चे बढ़ते हैं, अच्छे कामों में खर्चे बढ़ते हैं। तो जब अगर ट्वेल्थ हाउस में वीनस होगा तो अच्छा करेगा, तो साथ ही साथ में अगर सिक्स हाउस में वीनस होगा तो ट्वेल्थ हाउस को देखेगा। तो ट्वेल्थ हाउस का वीनस और सिक्स हाउस का वीनस हमेशा अच्छा करके चलेंगे, तो कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं, मकर लगन के जो लोग हैं, वो भी मान कर चल सकते हैं कि शुक्र उनके लिए काफ़ी अच्छा करेगा। शुक्र यहाँ पे वैसे भी केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड बनने से एक पॉजिटिव प्लैनेट बन जाए, तो उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, कुंभ राशि के अंदर फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर। अगेन लक प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन बनेगा, फैन फॉलोइंग लक का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिनेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आप शेयर मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में, स्पेकुलेशन में, तो आपके लिए अच्छा होगा। और ये उनके लिए क्वेरियस के लिए जो लोग मीडिया के अंदर भी हैं, बिकॉज कल मैंने जब बच्चन साहब की कुंडली डिस्कस की थी आपके साथ, बताया था क्वेरियस लगन के लोग मीडिया में काफ़ी अच्छा नाम कमाते हैं। तो अगर आप लोग मीडिया में भी हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, लोगों को भी सर थोड़ा रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। बाकी जैसे एक दो तीन चार पाँच छः छः राशियाँ, ये छः बाकी जो छः राशियाँ उन पर भी अच्छा असर होगा, लेकिन इन पर ज़्यादा असर होने वाला है। इतना ज़्यादा उन पर शायद नहीं होगा, बट इन पर ज़्यादा असर होगा सर। और बाकी के जो काम है उनको क्या रिलीफ मिलेगा? जैसे हमें लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं इवेंट्स वाले, बहुत लोग बिजनेस लोगों के खराब हो रहे हैं, उन पे क्या असर रहेगा? देखिए कुछ बिजनेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके बताने के लिए, आपको कौन कौन से बिजनेस में इसका असर पड़ सकता है। देखिए शुक्र जो होता है इवेंट्स को डिनोट करता है, तो इवेंट्स का काम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, इंक्वायरीज आ जाएंगे आपके पास। अब लॉकडाउन रहे या ना रहे, कोरोना रहे या ना रहे, इवेंट्स वाले जो लोग हैं, इवेंट्स से रिलेटेड जो लोग हैं, बैंकवेट वाले हैं, डीजे वाले हैं, एंकर्स हैं, उनको यह है कि उनकी इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा खुलना शुरू होगा। हाँ ठीक है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम रहेगा, बट इंक्वायरीज आना शुरू होंगी, खर्चे उनके निकलना शुरू हो जाएंगे जो अब तक ब्लॉक हो रखे थे। उसके बाद होंगे मीडिया के लोग, मीडिया में जो लोग भी चाहे वो किसी भी फील्ड में, फैशन में है, मीडिया के अंदर, सीरियल्स के अंदर है, मूवीज़ के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर है, न्यूज़ रीडर है, तो उनके लिए यहाँ थोड़ा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज शुक्र मीडिया को भी डिनोट करता है। फिर आता है गारमेंट्स, वो लोग जिनका गारमेंट्स का काम है, स्पेशली लेडीज़ गारमेंट्स का या लेडीज़ अंडर गारमेंट्स का जिनका काम है, जिनके शॉप्स हैं, होलसेलर हैं, मैनुफैक्चरर हैं, उनको यहाँ ऑर्डर वापस आना शुरू हो जाएंगे। जो अब तक उनकी फैक्ट्री ब्लॉक थी या लेबर नहीं आ पा रही थी, उनके लेबर को घर बैठ कर देना पड़ रहा था उनके वेजेस, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। उसके बाद हम बात करें लेडीज़ एक्सेसरीज़ में जो लोग होंगे, पर्सेज में है जिनका, लेडीज़ से जो भी रिलेटेड काम हो, गारमेंट्स हो, चुन्नी हो, जो भी लेडीज़ यूज़ करती हैं, साड़ी लहंगा, तो उनके लिए भी एक अच्छा काम हो सकता है। यहाँ पे लेडीज़ ज्वेलरी के साथ जो चलते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ जो चलते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा काम होगा। कॉस्मेटिक्स, इसके बाद कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स का जिनका काम था, अब हमारे कई क्लाइंट्स हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग का, नेल पॉलिश के बिंदे की, तो वो उनका काम डाउन था इस समय थोड़ा, तो अब उनको लिए थोड़ी सी उठा, उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज शुक्र ब्यूटी के साथ चलते। तो कॉस्मेटिक्स के साथ जो जो लोग रिलेटेड हैं उनके लिए अच्छी खबर। और सैलून के लिए एक आखिरी, हाँ सैलून के लिए, बिकॉज
पार्लर सलून अब उनका काम चलना शुरू होगा। अब तक जो लोग लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए थे, लेडीज़ घर में बैठी हुई थी, नहीं जा पा रहे थे, बच्चा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो उसमें वो उन पर रश बढ़ेगा। अब कितना रश बढ़ेगा वो डिपेंड करता है, लेकिन उन पर रश बढ़ेगा। सलून, पार्लर, बुटीक, इनका काम थोड़ा सा पहले से बेहतर होगा, तो ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका काम चलेगा। हाँ, जिनका सर शुक्र से रिलेटेड, जिनका शुक्र से रिलेटेड है। और दोस्तों एक मैं बात और पूछूंगा, आप पूछेंगे इसका शुक्र का लॉकडाउन पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, शुक्र होता है लग्जरीज के लिए, और इंडिया का फर्स्ट का लॉर्ड है। फर्स्ट का लॉर्ड अब तक राहु के साथ था, और अब जैसे ही सेकंड हाउस में आएगा गुरु के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसका यहाँ पे आने से एक बात तो कंफर्म है कि लॉकडाउन अब खुलना शुरू हो जाएगा, काम चलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज सेकंड हाउस वेल्थ का होता है। और आप नोटिस करेंगे, अगर हम बात करें फोर्थ हाउस है जनता का, यानी कि आपका और मेरा, फोर्थ का और फोर्थ हाउस से जनता का जो लॉर्ड है वो भी मूव करके 14th May के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। 14 June को सेकंड हाउस वेल्थ वाले हाउस में आ जाएगा, तो जनता की वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा। तो जून में हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन खुलेंगे, बट बिकॉज आप देखेंगे शनि अभी भी रेट्रोग्रेड है इंडिया के 9th house के अंदर, और 11th house इनकम को देखता है, इनकम पे थोड़ा सा ब्रेक लगाता है, और 10th house जो प्रोफेशन का होता है उसको सराउंड करके चल रहा है अपनी 3rd, 1, 2, 3। तो शनि रिस्ट्रिक्शंस के लिए होता है, राहु रिस्ट्रिक्शंस के लिए होता है। एक बात तो मानकर चल सकते हैं दोस्तों, लॉकडाउन पूरा नहीं खुलने वाला, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। अब ऑड इवन चलता है या नाइट कर्फ्यू चलता है, डे कर्फ्यू चलता है, कुछ तो ऐसा चलेगा, या कुछ भी ऐसी होंगी जो चीज़ें अभी 100% नहीं खुलने वाली। और क्योंकि शनि है तो पैन इंडिया की हम लोग बात करें, वेस्टर्न पार्ट, शनि वेस्टर्न पार्ट को डिनोट करके चलता है, वेस्टर्न पार्ट में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस रहने वाली है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें अभी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, 100% वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलने वाला। बट हाँ, आज से बेहतर कल है हमारा, 100% नहीं मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और जाने से पहले बता दूँ, मर्क्यूरी जो होता है नॉर्थ को डिनोट करके चलता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था आपको, मर्क्यूरी नॉर्थ यानी कि दिल्ली को डिनोट करेगा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी। अब मर्क्यूरी हालांकि आज अपनी राशि में है, रिलीफ मिल सकता है हमें थोड़ा सा, बट रेट्रोग्रेड होकर वापस है राहु के साथ आ जाएगा। तो नॉर्दर्न पार्ट भी अभी पूरी तरीके से खुलने वाले नहीं है, उनमें भी अभी दिक्कत रहने वाली है, 100% यहाँ नहीं। अब दिल्ली की बात चलेगी, शायद मंडे से 31 से दिल्ली में लॉकडाउन खुल जाए, खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ खुलेगा, 100% नहीं खुलने वाला। रिस्ट्रिक्शन सर हम सबके लिए अच्छा भी, तो अभी भी देखिए अब कहाँ कोरोना ठीक हो रहा है, हमें कहाँ रिलीफ मिल पा रहा है पूरा, आपने खुद ने कहा है अक्टूबर तक अभी चलेगा कोरोना। देखिए शनि रेट्रोग्रेड और रिस्ट्रिक्शन हमारे फायदे के लिए ही है, तो वैक्सीनेशन आप करवाइए, जिन लोगों ने नहीं करवाया वैक्सीनेशन, मास्किंग के साथ आप काम करिए। बट इतना मैं कंफर्म कर दूं आपको कि ये जो टाइम है इसमें रिलीफ तो हमें मिलेगा, आज से ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, लोगों का पैसा आना शुरू हो जाएगा, सेकंड हाउस हमारा थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और जाने से पहले प्रतिभा जी आपको एक बात बता दूँ, जून में ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं, तो उसके लिए अब फिर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आप सबके, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए मर्क्यूरी टॉरस में आ जाएगा, मर्क्यूरी मैंने आपको बताया यहाँ पे है, तो घूम के यहाँ पे टॉरस में आ जाएगा, रेट्रोग्रेड हो गए, इसके पे एक अलग वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, देखिएगा उसको। मंगल कैंसर में आ जाएगा, मंगल यहाँ पे है, मैंने अभी आपको इंडिकेट किया, यहाँ पे आके मंगल नीच का हो जाएगा, कर्क में मंगल नीच का हो जाता है, और नीच का मंगल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आप देखेंगे शनि भी यहाँ पे है, और शनि भी डायरेक्ट मंगल को देखेगा, कैप्रिकॉर्न से शनि रेट्रोग्रेड और मंगल नीच का, हिंदुस्तान के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, वो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। फिर सूर्य जो अब तक यहाँ पे चल रहा है टॉरस के अंदर, वो जेमिनी में आ जाएगा राहु के साथ है, यहाँ से एक बहुत बड़ा हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, खासकर ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 20 June को, जुपिटर आप देखिए अभी यहाँ पे है कुंभ लग्न में, तो कुंभ राशि में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका असर काफ़ी ज़्यादा होगा, जब जुपिटर और शनि एक साथ रेट्रोग्रेड होंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। वीनस फिर कैंसर में आ जाएगा, वीनस अभी सेकंड हाउस में, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वीनस में कैंसर में आ जाएगा शनि के एस्पेक्ट में और नीच के मंगल के साथ। तो जून का महीना काफ़ी क्रिटिकलिटी वाला है, काफ़ी उछल पुथल रहेगी, 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, 1 प्लैनेट नीच का हो जाएगा, तो चीज़ें अभी भी इतनी नॉर्मलाइज नहीं होने वाली। आज से बेटर हमारा कल है जून, मई से फिनेंशियली तौर से बेटर होकर दुकानें खुलेंगी, बुध और शुक्र व्यापार को डिनोट करते हैं, लग्जरीज को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा अभी भी हमें सावधानी देखकर चलना है, बट जो मैंने बताया आप प्लान आउट कर सकते हैं अपना, कि अगर आपने दुकान में माल डालना है, फैक्ट्री में लेबर को बुलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ के कि अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना, हाँ थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मत जाइए, नुकसान हो सकता है आपके लिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलिए, खर्चे जो अब तक आपके रुके हुए थे वो खर्चे आपके चलते रहेंगे। और दोस्तों जाने से पहले मर्क्यूरी बैंकिंग को डिनोट करके चलता है, हो सकता है बैंकिंग के साथ स्टॉक मार्केट जो कि मर्क्यूरी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, बैंक्स में थोड़ी सी दिक्कत है, तो थोड़ा सा हमने अपने खर्चों को भी देख के चलना है, FDs जो आपने करवा रखी हैं,
अगर जरूरत नहीं है छुड़वाने की तो उनको अभी मत छुड़वाइए, बिकॉज अभी आने वाला टाइम जो है पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी, और थोड़ा पैसा सेव करके चलिए अपने आने वाले टाइम के लिए। थोड़ा सा नेगेटिव टाइम हो सकता है अपने बच्चों के लिए, बिकॉज जिस तरह से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों को इफेक्ट कर सकती है, बच्चों पर भी अभी आप रखिए उनको घर में पैक रखिए, बाहर मत निकालिए उनको। और देखिए मर्क्यूरी जो है वैसे भी इंडिया के फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, किड्स का लॉर्ड, और वो रेट्रोग्रेड होकर राहु के साथ आ जाएगा, तो बच्चों में इन्फेक्शन की भी दिक्कत रह सकती है, थोड़ा ध्यान में रखिए। सर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हर पेरेंट्स बहुत कंसर्नड है इस चीज़ के लिए, जैसे न्यूज़ में भी रोज बता रहे हैं। नहीं तो उतनी दिक्कत नहीं आने वाली, बच्चे सेफ रहने वाले हैं, बिकॉज मर्क्यूरी यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा जब यहाँ से निकलेगा। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन उतने लेवल का नहीं जो हमें बताया जा रहा है न्यूज़ के अंदर अलग अलग चीज़ें कि बच्चों में बहुत इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमें उस नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। इतना डर नहीं है, डर है पर उस लेवल का डर नहीं है जो हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और कोई आपके क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम करेंगे उसको। और नमस्ते, जय माता दी फ्रेंड्स।